क्रिकेट विश्व कप 2023 में इकाना स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच हुए मैच में भारतीय टीम ने अपनी जीत दर्ज कराई। जीत की खुशी में लखनऊ के चौक स्टेडियम क्रिकेट कोच अर्शी रजा ने खिलाड़ियों के साथ मिलकर जश्न मनाया। साथ ही भारत के विश्व कप जीतने की प्रार्थना की। कोच अर्शी रजा ने टीम को जीत की बधाई देते हुए कहा कि हम सभी के लिए ये बहुत गर्व की बात है। ये वर्ल्ड कप जैसा जा रहा है, सब यही सोच रहे कि इंडिया ही जीतेगा, लेकिन टक्कर के मैचेस होंगे। उम्मीद यही है कि इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि इंडिया की बैलेंस टीम है। यहाँ पे अगर देखिए आप, हार्दिक पांड्या भी इंजर हुए, लेकिन टीम का बैलेंस ऐसा बना लिया कि फिर भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही स्ट्रांग है। ये खुशी हुई क्योंकि इंडिया टीम जो है अभी तक वर्ल्ड में 2023 वर्ल्ड कप की पहली जो है ऐसी टीम है जो अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में हारी नहीं है। ये कहना चाहेंगे, अपनी इंडिया है, टीम जीतती है तो हम लोग को बहुत जोश आता है, और आगे हम लोग यही चाहते हैं कि इंडिया टीम जीते, वर्ल्ड कप लेके आए और इंडिया आगे बढ़ते, हर गेम में बढ़े। कल इंडिया जीती, अच्छा खेली, और मतलब सब लोग अच्छा खेले। लग रहा था कि मैच मतलब एक तरफ से मतलब हार भी जाएगी, लेकिन बॉलरों ने अच्छा किया और शमी बुमराह इन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया। पहले तो मैं भारतीय टीम को बधाई देता हूँ, फिर साइकिल अगरबत्ती के जो यहाँ पे आयोजक हैं, इन्होंने ये निर्णय लिया कि चौक स्टेडियम में आके हम इस तरीके की खुशी मनाएं, जो कल जबरदस्त मैच देखने को मिला। और देखिए, साइकिल अगरबत्ती, हम लोग खेल से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं और लगाव है, और वर्ल्ड कप के लिए तो पर्टिकुलरली हम बात करें तो हमने आज कल लखनऊ में सभी जगह अपनी प्रे फॉर इंडिया का एक कैंपेन चलाया था, जिसमें हमने बहुत सारी अगरबत्ती बांटी थी,